यूएई में बराए ओवरसीज ग्रुप के द्वारा, उनके स्टूडेंट के द्वारा बहुत ही बड़े लेवल पे काम हुआ है, पहले भी और अभी भी हो रहा है। अब दोस्तों, इन सब एक्सपीरियंस से हमको क्या सीखना है कि जो बायर ने राइट फिक्स रेट में डील का प्रपोजल दिया कि वो फिक्स रेट में लेना चाहेंगे, तो एट द एंड ऑफ द डे मेजॉरिटी ऑफ वो बायर्स फेल रहे हैं, मेजॉरिटी, कुछ को छोड़ के। अब होता यह है कि दुबई में मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल है, भाव ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो भाव जब फिक्स उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है तो वो तुरंत पैसा दे देते हैं, और लॉस होता है तो पूरा पेमेंट जो है वो अटका देते हैं और प्रिंसिपल अमाउंट लेना ही दिक्कत हो जाता है, और फिर हम जो है पैसा रिकवरी करने में जो है लग जाते हैं और लंबा प्रोसेस लग जाता है पूरा चीज़ को रिकवर करने में। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं सिर्फ आपको ये सजेशन दे सकता हूँ कि अगर आपको यूएई में डील करना है और फिक्स का बायर है, तो ये भी जानने की कोशिश करें कि वो वहाँ पर कैसे सेल कर रहा है, क्या उनका वहाँ पर कोई मॉल स्टोर में टाइप है कि वो वहाँ पर उनसे फिक्स में रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट के बेस में माल ले रहे हैं। अगर वो आपसे माल लेके ओपन मार्केट में ही सेल कर रहा है तो दोस्तों यकीन मानो टिक नहीं पाएगा, क्योंकि हमने जिन कंपनियों से काम किया हुआ है वो 5 साल से लेके 40 साल पुरानी कंपनियों से हमने काम किया, वो इस कंसेप्ट में फेल रही और वो फिक्स भाव नहीं दे पाई और ख़त्म होने की कतार पे है। बहुत ख़राब एक्सपीरियंस रहे हैं हमारे स्टूडेंट के। देखिए, ये कोई कहता नहीं है, सब अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें कहते हैं और कड़वी सच्चाई कहता नहीं है कोई। और प्रॉब्लम ये है कि देश का विकास इसलिए नहीं होता क्योंकि जब सच्चाई छुपाई जाती है तो स्टार्टअप से बार बार वही गलती दोहराते रहते हैं, वही मिस्टेक्स होती रहती है और कभी विकास नहीं होता। इसलिए मैं सच कह रहा हूँ दोस्तों कि पिछले खास करके 1 साल में, इनफैक्ट 2 साल को मिला ले, आई हैव नॉट सीन एनी सिंगल डील राइट कि जिसमें कमीशन बेस में प्रॉफिट हुआ हो, कमीशन बेस में, एक आध दो डील को छोड़ के, उसमें बात अलग है, लेकिन मेजॉरिटी केस में मैं कह रहा हूँ, मेजॉरिटी राइट कमीशन में हैवी लॉस का मतलब आप जानते हो दोस्तों, जहाँ पर लोगों ने 20 लाख का माल भेजा हुआ है, उनको वहाँ से दुबई से पैसे 5 लाख आए, 15 लाख का लॉस, राइट 15 लाख का माल है तो उनको रिकवर 10 लाख ही हुए हैं, 5 लाख का लॉस, 3-4 लाख का लॉस तो इतना कॉमन है कि उनको बताने में प्रॉब्लम भी नहीं होता। अरे सिर्फ 4 लाख का ही लॉस हुआ है, सिर्फ क्या है बड़ा लॉस हुआ है, इतना बड़ा लॉस ही नहीं हुआ है, राइट अगली बार आप और 5 लाख कमा लेंगे, राइट आप करिए कंटेनर, डालिए माल। देखिए दोस्तों, ऐसी बातें उनकी तरफ से होती है, लेकिन कमीशन बेस में वही कमा पाया है, उनका ही सिस्टम परफेक्ट चल रहा है जिसका खुद का सोर्सिंग है। आप किसी और से सोर्सिंग ले रहे हो, बायर भी आपका नहीं है, राइट आप यू आर गोइंग या मीडिएटर, उनका सेटअप है, उसमें कभी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे आ सकती है जब आपका पूरा नेटवर्क है, मेनली आपके हाथ में सोर्सिंग है, आप चीप सोर्सिंग करना जानते हो, राइट तब जाके आप वहाँ के रेट के एट पार राइट सेल कर सकते हो और वहाँ पर आप प्रॉफिटेबिलिटी कमा सकते हो, कुछ बेटर प्राइसिंग आप दे सकते हो, वहाँ पर अर्न कर सकते हो। बाकी ये स्टार्टअप्स के लिए नहीं है जिसके पास सोर्सिंग नहीं। यार आपके कंटर में 4 लाख का लॉस हो गया, ये तो उनके लिए चुटकियों की बात है, वहाँ के ब्रोकर बायर के लिए। तो इस तरीके का ट्रेड ना करें, फिक्स भाव में करें, सारी सिक्योरिटी रख के करें और ये भी देखें कि वो वहाँ पर कैसे सेल कर रहा है। इफ़ इट इज़ सेलिंग इनटू द ओपन मार्केट एनीवेयर, चाहे दुबई में करें, श्रीलंका में करें, राइट आज नहीं तो कल मरना पक्का है, राइट इस सिचुएशन में, खास करके कोविड में तो मार्केट है ही नहीं, राइट ऐसा तो आप देखिए कि वो कैसे सेल कर रहा है, राइट और वहाँ पर उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कैसे आ पा रही है, और फिक्स में ही, खास करके इस सिचुएशन में, कोविड की सिचुएशन में, फिक्स में ही काम करें, अपना फिक्स प्रॉफिट लेके ही करें। और यूट्यूबर में से काफ़ी नई नई चीज़ें जानने के लिए मिलती है हमको, इसमें से मैं कुछ वीडियो देख रहा था, उसमें बताया जा रहा था 30-70 दुबई में, 30-70 कर लो, 30-70 करो। अब ये 30-70 का मसला, राइट काफ़ी अलग अलग व्हाट्सएप घूम रहे हैं, राइट अब 30% एडवांस और 70% BL के अगेंस्ट में ये सेफ कैसे माना जा सकता है पेरिशेबल गुड्स में?
दोस्तों आप समझो कि 30% एडवांस आप ले भी लिया आपने कोटेशन के सामने, बाकी के 70% बीएल के अगेंस्ट में है। आपने ओरिजिनल बीएल दिया और वहाँ से पैसा नहीं आया तो रेट क्या सिक्योरिटी है इसमें? मेनली अगेंस्ट बीएल आपको कभी गवर्नमेंट ईसीजीसी कवर भी नहीं देगा, राइट? क्योंकि हम जब ईसीजीसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, हमेशा हमको बताते हैं कि आपको डीए डीपी एलसी में काम करना चाहिए, बैंक से डॉक्यूमेंटेशन रूट करो और नियर कंट्री है, राइट? आप डायरेक्ट डॉक्यूमेंटेशन बाहर को सेंड कर रहे हो तो बैंक से परमिशन लो, राइट? इस तरीके से काम करना होता है। अब ये मान लीजिए कि 30% मिल भी गया और बाकी का 70% नहीं दे रहे हैं तो रिटर्न भी नहीं ले सकते, ये गुड्स तो पेरिशेबल है, बिगड़ जाएगा। तो यू हैव टू रियली टेक केयर ऑफ द ट्रेड एंड ओनली ट्रेड विद ईसीजीसी।